भारत समेत दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग दिवस मनाने पहुंचे। उन्होंने करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने योग की शुरुआत ताड़ासन, त्रिकोणासन, भद्रासन जैसे आसनों से की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि योग अब वैश्विक पर्व बन गया है, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं वे ऑफ लाइफ बन गया है। उन्होंने कहा कि हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की तस्वीरें जो कुछ वर्ष पहले आध्यात्मिक केंद्रों पर दिखती थीं, वो आज विश्व के कोने कोने में दिख रही हैं। ये साझी मानवता की तस्वीरें हैं, ये एक वैश्विक पर्व बन गया है। ये किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसीलिए इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ लोग योग कर रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ लोग अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। यही गार्डियन रिंग ऑफ योगा है। देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूर को प्रणाम करता हूं। मैसूर जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है।